प्रीव्यू। मेरा नाम सिराज खान, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। नितेश राणे को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई उन्हें जब बता रहा है कि बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, अरे भाई घुस के मारने की बात बहुत दूर है, तू भी अकेला मैं भी अकेला आता, कहाँ आने का बोल, कौन सी मस्जिद है, कौन सा तेरा एरिया है, मैं वहाँ आ जाता। और जो है तू जब इतनी बड़ी बात कर रहा है ना, तो सरकार का पूरा सपोर्ट है तेरे को, पुलिस प्रशासन का सपोर्ट है तेरे को। और दूसरी बात, तू अगर इतना डेयरिंग बात रहता था या बहुत पहलवान या जहाँ मर्द रहता था आदमी, तो तू जो है तो 2 बॉडीगार्ड आगे नहीं भेजता, 4 बॉडीगार्ड साथ में लेके नहीं भेजता था। हम जैसा घूमते वैसा घूम के बता अकेले में, और अकेले में हाँ, और अकेले में बता, और हम भी अकेले आएंगे। और अब हमारे हुजूर के खिलाफ और जो है तो हमारे मस्जिद के खिलाफ, अल्लाह और रसूल के खिलाफ आप बोल दिया, और गवर्नमेंट सॉरी क्या ये कि जो अगर हम अगर कोई मुस्लिम अगर बोल देगा तो उसके ऊपर दुनिया की कार्रवाई हो जाएंगी, उसके सब दुनिया सब बसें जला दी जाएंगी, तमाम जो है तो नुकसान होगा। और प्रशासन से समझो ये जो है तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि जैसा हमारे ऊपर कार्रवाई होती वैसी इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों कि हमने किसी मजहब के बारे में कभी किसी को नहीं बोले, अगर हमारे हमारा भी आदमी बोलेगा, कोई भी मुस्लिम रहेगा, तो हम उसके भी खिलाफ बोलेंगे। लेकिन अब ये बार 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 जो हो रहा है तो फिर जो है तो ये गवर्नमेंट की पूरी पूरी साजिश है, और ये जो है तो मुसलमान को टारगेट करे भाई, तो जो है तो अल्लाह और रसूल के बाजू रख के बात कर बोलना उसको, और नहीं तो तेरे को जहाँ बुलाने का जो मस्जिद में बुलाने का वहाँ बुला ले, बोलना मैं आने को तैयार है। क्योंकि कैसा है, अल्लाह रसूल के हाथ में हम कुर्बान है। और जब तू इतना बड़ा डेयरिंग बाज है तो भाई तू एक काम करना, अकेला आना, तू 2 बॉडीगार्ड भेजता, फिर 4 तेरे साथ रहते, फिर जनता रहती, फिर तेरे को पार्टी का सपोर्ट है, दुनिया के सपोर्ट के बीच में बैठ के तो बात कर रहा तू, खुली बात करना। और तमाम मुसलमानों से भी गुजारिश है कि भाई जैसा जहाँ भी अल्लाह और रसूल का नाम आता है तो चाहे वो कोई भी कौम का रहो, मुसलमान जो भी है, सुन्नी है, तबलीगी है, सबको उठना चाहिए, अल्लाह को क्या मुंह बताएंगे। और ये जो है नितेश राणे, ऐसे कीड़े मकोड़े हर उठते जाएंगे अगर अपन आवाज़ नहीं उठाएंगे तो। अभी अपने को आवाज़ उठाना ज़रूरी है, अपनी जरूरत अल्लाह रसूल पे अपन कुर्बान होने को बैठे हुए। और नितेश राणे आप बोल दिया, और वो जो है क्या नाम है उसका पंडित का, और तमाम हिंदू भाई से भी गुजारिश है कि भाई जैसा कि अब जिसकी श्रद्धा जिसमें है हम उसको पूछ रहे, उनको पूछ रहे, जिसकी श्रद्धा जिसमें है वो उसको बराबर पूछ रहा। हमने कभी तुम्हारे धर्म में या तुम्हारे भगवान में कभी इंटरफेयर हुए क्या? तो ये सिर्फ जो हमारे रसूल को बोलेगा और जो है तो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा, और जो हमारे बारे में बोलेगा तो हमारा टारगेट वही है, हमारे पूरे हिंदू भाई नहीं है, जिसको जिसमें श्रद्धा है वो पूछ रहा। और हम कुरान से चलने वाले लोग आए कि कुरान में लिखे हुआ मैं रब्बुल आलमीन हूँ, हिंदू का नहीं, क्रिश्चियन का नहीं, ब्राह्मण का नहीं, सबका है मैं। अगर ये गुस्ताखी करेंगे, हमने तुम्हारे कोई भी भगवान के खिलाफ गुस्ताखी करी भी नहीं है, इसको सजा होनी चाहिए। और तमाम लोग जो है हिंदू भाई भी उसके खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बदनामी है इसमें, हमारा नहीं है कुछ, तुम्हारी बदनामी है। सब साधु संत सब ऐसी छह बोलेंगे लोग, एक आदमी खराब रहेगा तो पूरी कौम बदनाम होती, हमारा एक आदमी अगर बोलेगा तो पूरे मुसलमानों को बोला जाएगा, तुम्हारा एक आदमी बोलेगा तो सब जितने भी साधु संत है सब उनका नाम खराब होगा, बोलेंगे यार ये लोग वैसे ही रहते ही। ये तमाम जो अपने लीडर है तो जितने भी हैं, कौम मिल्लत की बात करते हैं, खायद बोलते हैं, ये बताते हैं, तो इनके अभी ज़मीर मर गए है या इनका खून आउट रहा नहीं है, उनका खून खौल रहा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात आई हुई है कि तुमको सब तुम्हारा पैसा प्यारा है कि दुनिया प्यारी है, क्या तुमको दुनिया में ज़िंदगी भर दुनिया में रहना है, आखिरत में अल्लाह को मुंह बताना नहीं है। तमाम जो कौम मिल्लत की बात करते हैं आज उनको भी उठना चाहिए, कोई भी रहने दो फिर वो जितने मुस्लिम है, तो आज के उनके ज़मीर मर गए, सिर्फ पैसा पैसा ही कर रहे क्या खाली, हाँ अरे पैसा यही रह जाएगा, मर गए ना तो कफन भी नसीब होगा नहीं होगा अल्लाह को मालूम हो।
हमारे यहाँ जो है तो अभी औरंगाबाद शहर में सिर्फ दो ही जने उठे अभी यहाँ, एक अफसर खान साहब उठे और जो है तो एक इलियास करमानी। क्यों ये इनको अल्लाह को मुंह बताना है, बाकी लोगों को और हमको मुंह बताना नहीं है कि अल्लाह को गए कहाँ ये? अरे नालत है तुम्हारी जिंदगी पे, अगर तुम आखा के वास्ते अल्लाह के रसूल के वास्ते नहीं उठ सकते तो थू है तुम्हारी जिंदगी पे।